हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। आरपीएससी अजमेर की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है और यहाँ पर हम बात करेंगे संस्कृत शिक्षा विभाग जो सेकंड ग्रेड की भर्ती निकाली गई थी तो उसमें क्या नया जो है नोट आया है। 8 तारीख का है ये नोट। चलिए फटाफट से देख लेते हैं किसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक विभाग के लिए टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के पदों पर भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था 18/5/2022 को, तो उसमें नवीनतम वर्गवार वर्गीकरण के संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया गया। विभाग के पत्र दिनांक 20/4/2023 के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान विषय, तो यहाँ साइंस के सब्जेक्ट के जो नॉन टीएसपी क्षेत्र के जो संशोधित वर्गवार वर्गीकरण है वह किया गया है। ठीक है, तो इसको जो है बच्चे वेबसाइट पर जो है वो देख सकते हैं। वेबसाइट क्या है? वही है rpsc.rajasthan.government.in। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर सामान्य जो पद हैं, सामान्य वह 26 हैं, जिसमें महिला के सामान्य वर्ग की जो महिला है उसके 7 पद हैं, विधवा के 3 हैं। तो ये साइंस के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें नॉन टीएसपी क्षेत्र के पदों का जो नवीनतम वर्गवार वर्गीकरण आया है तो वह यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप लोग देख सकते हो, विधवा के जो है 3 है, परित्यक्ता के जो है 1 भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के अगर आप देखें सामान्य के 7 हैं, वहीं महिला के 2 हैं इसमें सीटें। उसके बाद अनुसूचित जाति वर्ग में सामान्य के 11 हैं, ठीक है, सामान्य महिला के 3 है और विधवा का 1 है। अनुसूचित जनजाति वर्ग जो है उसमें देख सकते हो आप 8 है सामान्य के, महिला के हैं वो 2, विधवा के 1 है। वहीं पर जो पिछड़ा वर्ग है उसमें सामान्य की देखें सीटें 14 हैं, सामान्य महिला की 5 है, विधवा की 1 है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में देखिए अति पिछड़ा वर्ग जो है जिसमें सामान्य की 1 है। तो ये जो है कुल 95 पद के लिए साइंस के बच्चों का जो दोबारा से जो है संशोधित वर्गवार वर्गीकरण जो है वह दिया गया है। तो आप इसमें जो है देख सकते हो आराम से। ठीक है, और भी कोई न्यूज अगर आती है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगी, छोटी से छोटी न्यूज जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, जिसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो ये जो प्रेस नोट जारी किया गया तो इसको जो है वो मैंने आपको बता दिया है और आप लोग जो है दोबारा से इस साइट पर जाकर जो है देख सकते हो rpsc.rajasthan.government.in। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।